बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट गड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 लाख छात्र फिर से होंगे पास। सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है गड़बड़ी हो गया था, जिसको लेकर रिजल्ट को दोबारा से जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी बिग अपडेट सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर ने एक बड़ा बयान सामने लेकर आया है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी अभी एक नया बयान सामने आया है। 2 लाख छात्रों का फिर से होगा रिजल्ट जारी। जी हाँ, यहां पर आप लोगों को बता दें कि फिर से रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, अलग वेबसाइट के जरिए आप लोग रिजल्ट चेक करेंगे। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आने बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा का रिजल्ट फिर से दोबारा जारी करने जा रही है बिहार बोर्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ली गई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट बिहार बोर्ड के द्वारा 16 मार्च 3 बजे जारी किया गया था। ठीक है, इस रिजल्ट में बहुत सारे छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। इतना जल्दी कॉपी चेक करने का मतलब कि इतना जल्दी कॉपी चेक करना असंभव है, यानी संभव हो ही नहीं सकता कि इतना जल्दी कॉपी चेक हो जाए। दोस्तों, इतना जल्दी कॉपी चेक करने का मतलब यह है कि छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, कॉपी को सही तरीके से चेक नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट को लेकर बिहार में पूरे छात्रों का आंदोलन किया जा रहा है। सभी छात्रों का कहना है कि इस बार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का परिणाम में गड़बड़ी की गई है। इसी रिजल्ट को लेकर पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर सभी छात्रों ने जमकर आंदोलन किया है। दोस्तों, यदि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और हमारे इस वेबसाइट को भी ज्वाइन कर लो, BCECExam.com को, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आप लोगों को बिहार बोर्ड से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन डाला जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप बिहार बोर्ड से संबंधित हर छोटी सी बड़ी अपडेट पाते हैं, पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा इस बार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 13,46,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, जिसमें से 10,78,000 से अधिक परीक्षार्थी पास हुए हैं, 2,67,000 अधिक फेल हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर काफी स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मेन गेट सभी इंटरमीडिएट छात्रों के द्वारा रिजल्ट के गड़बड़ी को लेकर पटना में सभी छात्रों ने जमकर आंदोलन कर रहे हैं। उन सभी छात्रों की मांग है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा और पिया का, जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन फिर से करवाई जाए। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इस वर्ष कॉपी का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं की गई है, जिसके कारण इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में रिजल्ट को लेकर गड़बड़ी पाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर द्वारा बोला जा रहा है कि जो भी छात्र का जिस भी सब्जेक्ट में दिए गए अंक से संतुष्ट नहीं है, उन सभी छात्रों के लिए बिहार बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी का प्रक्रिया आज से ही जारी किया गया है, वो भी ऑनलाइन किया गया है। ठीक है, स्क्रूटनी ऑनलाइन करने के लिए ऑफिशियल लिंक पर आप लोग जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। पर एक बात और बताना चाहूंगा कि दोबारा से ऑनलाइन करेंगे तो आपको आसानी से जो है उस विषय का, जैसे कि आप मैथ हो या केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिस भी विषय में आपका लगता है कि आपका अंक कम मिला है, तो आप उस विषय के लिए दोबारा से रीचेकिंग करवा सकते हैं। ये बिहार बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर का कहना है। परंतु सभी छात्रों का कहना है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन फिर से की जाए, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन फिर करवाना संभव नहीं है, परंतु एक रास्ता छात्रों के हित में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। अगर कोई भी छात्र अपना रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो छात्रों के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी की गई है। अगर आप सभी अपने अनुसार स्क्रूटनी कर सकते हैं, ये बिहार बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल पर न्यू यूजर हो तो ज्वाइन करो। बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आने वाली सभी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।